हेलो फ्रेंड, आज हम आपको धोती सलवार की कटिंग करना बताएंगे जो बहुत ही सुंदर सी है। ये देखिए हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है और इसके बाद हम इसको टू फोल्ड करके ही रखेंगे और इसके बाद एक हर तरफ से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो हर तरफ धोती सलवार की जो लंबाई होती है वो 22 इंच, अगर जो लंबाई आपकी रखनी है उतना ही आप लंबाई चौड़ाई इसकी दोनों सेम ही रखना। तो चारों तरफ से कपड़ा सेम ही होना चाहिए और कम ज़्यादा होगा तो वो फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देना। तो इस तरह से हम 22 इंच की धोती बनाएंगे। ये 5 साल की बच्ची के लिए है, 4 से 5 साल के बच्चे के लिए हो सकता है। तो इस तरह से हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिए और ओपन साइड हमारी तरफ है और बंद साइड हमारे सामने की तरफ है। तो ये देखिए इसकी लंबाई आ गई 22 इंच। तो 22 इंच हमने इसकी लंबाई ली। इसमें हम 7 इंच की बेल्ट ऊपर डालेंगे फ्रेंड, और यहाँ हम पोछे के लिए 1 इंच पहले निशान लगा लिए, वहाँ से उसके ऊपर से हम निशान लगाएंगे 4 इंच का। तो ये हमारा पोछा होगा जो मोड़ी बनेगी फ्रेंड। और यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे, तो आसन का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे क्योंकि ये बच्चे का है। अगर बड़े का होता तो हम 8 से 9 इंच तक आसन का निशान लगाते और 1.5 इंच जितना हम अंदर रखेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे फ्रेंड। और इसके बाद हम इसकी गुलाई ले लेंगे, इसकी गुलाई इस तरह से हम दे देंगे। तो ये हमारा, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है फ्रेंड, इसको हम सीधा उसी तरह से पूरा कपड़ा कट कर देंगे। तो अगर आप में कपड़ा बचता है तो आप कट कर दिए, नहीं आप लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर लेंगे तो आपका कपड़ा इस तरह से बचेगा नहीं, फोल्ड करने के बाद सेम आएगा। और हमने जैसे निशान लगाया सेम उसी शेप में कट दे। हमें बहुत सारे सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैम आपका प्लेट डालने का जो स्टेप था वो मुझे समझ नहीं आया। तो इसमें हमने प्लेट डालना भी बहुत इजी तरीके से बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखना और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ हम एक कट लगा देंगे पोछे के लिए, और यहाँ जहाँ ये हमारा साइड में जो धोती सलवार का आता है फ्रिल, वहाँ के लिए हम 1 इंच इस तरह से सीधा कट कर लेंगे, 1 इंच का निशान लगा के। और ये हमारा धोती सलवार कट के कंप्लीट हो गया फ्रेंड। और अब हम आपको बेल्ट निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और आपको बेल्ट जितनी चौड़ी लेनी है उतनी। तो फ्रेंड इसकी हम चौड़ाई लेंगे 12 इंच और लंबाई लेंगे 7 इंच। तो आप बेल्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बच्चा आपका मोटा हो या पतला हो आप उस हिसाब से, कमर के हिसाब से आप बेल्ट की चौड़ाई या लंबाई निकाल सकते हैं। और 11 इंच पे हम इसकी सिलाई बैठेगी। ये 22 इंच की बेल्ट कंप्लीट होगी हमारी, 1 इंच सिलाई में जाएगा फ्रेंड। और इस तरह से हम स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। और ये हमारा धोती सलवार करके कंप्लीट हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अब हम चलते हैं मशीन पे और इसको आपको बताते हैं सिलना। तो सबसे पहले हम नीचे का पोछा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो कट लगाया था वहाँ से हम फोल्ड करते हुए ये हमारा जो कोना है इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और वहाँ से फोल्ड करते हुए सीधे नीचे तक आएंगे फ्रेंड। और यहाँ कोने पे हम इस तरह से राउंड मार के फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से अपने सुई को कोने पर धंसाते हुए और घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फ्रेंड ये हमारा बहुत ही अच्छा कोना बनता है। तो हम आपको बनने के बाद दिखाते हैं कि कितने अच्छे से बन गया। देखिए इस तरह से हमारा कोना जो नीचे की मोड़ी होगी वो बन के कंप्लीट हो। दूसरी मोड़ी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये धोती सलवार बनाना बहुत ईजी है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी का आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्रेंड। अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमारा दोनों कोना बन गया, दोनों पैर का पोछा बन गया है और दोनों मोड़ी कंप्लीट है। ये जो हम साइड में हमारा धोती सलवार का जो ये गुलाई आती है, ये इस तरह से हम यहाँ एक सीधी लाइन करके इसको भी सिल लेंगे। और दोनों पैर के में जो कट लगा है दोनों पैर के कट को इस तरह से हम बना लेंगे क्योंकि दोनों पैर की जो धोती बनेगी हमारी साइड में उसके लिए है। और ये कट होके कंप्लीट हो गया है, सिलाई भी लग गई। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, ये हमारा साइड में आएगा और ये हमारा आसन का पार्ट है फ्रेंड। और इस तरह से हम आसन को रखते हुए और दूसरे पार्ट को भी उसके ऊपर रख के एक साइड के जो आसन का निशान हमने लगाया था उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से दोनों पैंट ज्वाइंट हो जाएगा।
और ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड हम इसमें कैसे फ्रिल लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हम दो सिलाई डाल देंगे तो हमारी सिलाई हो जाएगी थोड़ी सी मजबूत। और ये देखिए हमारा ये एक साइड का ज्वाइंट हो गया है और ये हमारा बीच का है जो हमारे धोती में सेप देगा। और ये हमारा बेल्ट है तो बेल्ट पे हम सबसे पहले ऊपर एक धारी सिलाई लगा लेंगे, एक बुट की सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, क्योंकि ये सिलाई लगा लेंगे तो हमें इलास्टिक डालने में आसानी होती है और हमें जो इलास्टिक की पट्टी होती है ऊपर या डोरी आपको रखना है जो भी रखना है उस फोल्ड करने में आसानी होती है। तो इस तरह से हमने एक धारी सिलाई लगाया। अब इसको हमने पहले 2 फोल्ड किया है फ्रेंड और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ एक कट लगा देंगे, ये हमारा होगा बीच का कट और ये हमारा होगा बीच का कट, ये हमारा होगा साइड का कट। तो इस तरह से हमारा कट लग के कम्प्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम यहाँ आपको ये हमारा बीच का कट है और ये दोनों हमारा साइड साइड का कट है जो हमारे साइड में धोती में हमारे साइड आती है। और जो हमने आसन आसन ज्वाइन किया है इसको हम सीधा बीच में रखेंगे फ्रेंड, जो हमारा बीच का आसन का कट होता है जहाँ हमारा डोरी का निशान होता है। और इस तरह से सबसे पहले हम प्लेट डालेंगे मशीन की तरफ। ये चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड तभी आपको समझ में आएगा, बिना स्किप किए वीडियो आप देखना। और वहाँ तक हम इसको मशीन की तरफ प्लेट डालेंगे जहाँ हमने साइड का कट लगाया है और वहाँ तक हम इसको कंटिन्यू मशीन की तरफ प्लेट डालेंगे। ये देखिए जो हमने कट यहाँ सिलाई लगाई थी फ्रेंड और ये जो हमारा कट है ये हम इसी पे ये दोनों पार्ट हम यहीं मिलाएंगे और मिलाते हुए उस साइड का जितना भी कपड़ा था उसको हमने मशीन की तरफ प्लेटें डाल दी है। और अब हम प्लेट डालेंगे अपनी तरफ जहाँ से हमने वो 1 इंच का कट लगा के सिलाई लगाया था वहाँ से। अब हम जब वो दोनों निशान पे मिलने के बाद अब हम प्लेटें अपनी तरफ डालेंगे, अब मशीन की तरफ प्लेट नहीं डालेंगे अपनी साइड प्लेट डालेंगे। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें, बहुत सारी बहनों ने बोला कि मैम मुझे प्लेट डालना बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखेंगे फ्रेंड तभी। अगर आप जितना भी आपके पास कपड़ा है आपको सारा एडजस्ट करके इसमें प्लेट डाल देना है वो भी अपनी तरफ। तो इस तरह से आप प्लेट बराबर डालना और आप देख लेना कि आप सामने कितने प्लेट डाले हैं उतनी ही प्लेट आपको इस साइड भी डालना है। अगर आपके प्लेटें कम या ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा आपके धोती का लुक थोड़ा कम अच्छा आएगा फ्रेंड। तो ये चीज़ भी आप देखना कि उस साइड आपने कितने प्लेटें डाले हैं और इधर आपको कितनी प्लेटें डालनी है, सेम ही प्लेटें डालनी होती जितना आप उस साइड डाले उतना है आप इस साइड भी डालोगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा देखिए धोती का प्लेट एक पैर पर प्लेट बन के तैयार हो गया है और ये कुछ इस तरह से लुक आएगा। इसकी गुलाई भी इस तरह से आएगी फ्रेंड, जब हम इसको सिलेंगे तो एकदम मस्त गुलाई आएगी और आपको दिखाएंगे भी। और अब हम इस तरह से दूसरे पैर का भी प्लेट डालेंगे और हमें सेम उसी तरह से प्लेटें डालनी है जैसे हमने आपको बताया कि पहले हम मशीन की तरफ प्लेट डालेंगे फिर उसको अपनी साइड प्लेट डालेंगे।